गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे डेट इज 23 जनवरी 2021। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको एक फिक्स लोकेशन देता हूं मैं, उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये क्या है? एक बिंदु है, इसे आप एक पॉइंट कह सकते हैं। और इस पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर, फिक्स डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं, और फिक्स डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट लिया, वो ये है। मान लिया जाए कि इस पॉइंट को फिक्स कर लिया और यहां से एक रस्सी से हमने फिक्स दूरी माप ली। अब यदि हम इसे घुमाएंगे, यदि हम यहाँ से फिक्स करके इसको रोटेट करेंगे, तो कैसी फिगर प्राप्त होगी हमें? देखिए, हमें कैसी फिगर प्राप्त होगी? बिल्कुल एकदम गोल प्राप्त होगी और ये हमारी फिगर हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सर्कल। क्या होगा ये? सर्किल। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? सर्किल। स्टूडेंट्स, सर्किल को अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। फिक्स पॉइंट है, फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फिक्स। इसके ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये जो पाथ है, ये पॉइंट्स का पाथ है, और इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। और इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं बोल दूं, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स का जो लोकस है, उसी को हम सर्किल कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है, इसे सर्कल का सेंटर, क्या बोलेंगे? सेंटर। फिक्स डिस्टेंस, सर्कल की रेडियस। और ये जो फिक्स्ड पाथ आया है, इसे सर्कल का पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। मैं इसे पैरामीटर से लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर स्थित जो बिंदुओं का पाथ है, उसे हम सर्किल कहते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को सर्किल का सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस को सर्कल की रेडियस, और फिक्स जो पाथ अपने पास है, इसे सर्कल का पैरामीटर कहते हैं। तो सेंटर फिक्स हो गया, रेडियस और पैरामीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ एक सर्कल के और भी पार्ट होते हैं, वो भी देखते हैं। इसकी जो ये सर्कमफ्रेंस या जिसे हम पैरामीटर बोल रहे हैं, इस पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए हमने, मैंने मान लिया एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन आती है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स कोर्ड। इस सर्कल की कोर्ड, कोई भी टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। और यदि कोर्ड सेंटर से पास हो, टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोर्ड सेंटर से पास हो, तो इसे बोलते हैं सर्कल का डायामीटर। तो सबसे पहले हमें इतनी सी डेफिनेशंस याद करनी है स्टूडेंट्स। ओके, सेंटर फिक्स्ड पॉइंट, रेडियस फिक्स्ड डिस्टेंस, इसके बाद पैरामीटर जो ये सर्कमफ्रेंस आई है, जो पाथ आया था, इसके बाद अपने पास कोर्ड, कोई भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, और लास्ट हमने डायमीटर देखा। यदि जो जिसे बिगेस्ट हम कोर्ड भी बोल सकते हैं सर्कल की, जो कि टू पॉइंट को ज्वाइन करती है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी सी डेफिनेशन याद हो गई होगी आपको। अब मैं आपको एक शानदार रीजन बताता हूं कोई भी सर्कल को बनने का। कोई भी सर्कल क्यों बनता है, कोई भी फिगर गोल क्यों होती है, इसका फिक्स रीजन ये है स्टूडेंट्स कि कोई भी जो फिगर है वो राउंड होने के लिए जरूरी होता है कि इसकी जो ये सर्कमफ्रेंस आई है, जो पैरामीटर आया है, उसमें इस डायामीटर से डिवाइड करें। किससे? सर्कमफ्रेंस को डायामीटर से डिवाइड करें, तो हमेशा 22/7 आना चाहिए। यदि ये 22/7 नहीं है, 23/7 है, तो भी वो फिगर राउंड नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, इसे मैं पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस बोल देता हूं। पैरामीटर अपॉन डायामीटर इजिकल टू 22/7, इजिकल टू 22/7। ये एक फिक्स वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना, जिसे
हम पाई बोलते हैं। पाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती। पाई की फिक्स वैल्यू कोई नहीं निकाल सका है, यह एक इरेशनल वैल्यू है और ये नॉन रिपीटेबल वैल्यू है, ये कभी रिपीट नहीं होती। पाई के बारे में बता देता हूँ स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू फिक्स, इसे हम पैरामीटर ऑफ अपॉन डायमीटर भी बोल सकते हैं, और फिक्स वैल्यू है 3.14। यहां पर रुकना नहीं है, नॉन रिपीटेबल वैल्यू होती है, आगे हम लिख सकते हैं 159 ... कहने का मतलब ये एक इरेशनल वैल्यू है, जबकि 22/7 की वैल्यू इसके बिल्कुल नजदीक ही आती है। 22/7 की वैल्यू 3.14157 के बिल्कुल नजदीक ही होती है, इसलिए इनको लगभग इक्वल मान लेते हैं 1428 ... यानी 1 पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पर थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए इनको लगभग इक्वली मान लेते हैं, ध्यान रखना है सबको। पाई की वैल्यू याद रखने के लिए मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, एक पाई डे भी बनाया जाता है, आपको पता हो तो। पाई डे कब बनाया जाता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, याद रखना स्टूडेंट्स, पाई डे है वो याद रखना है आपको, 14 मार्च को बनाया जाता है। कब? 14 मार्च को। पाई की वैल्यू याद करवा देता हूं स्टूडेंट्स यहां से, जो 14 मार्च है, 14 मार्च है, कैसे लिखेंगे 14 मार्च को? मार्च मतलब 3, 14 कैसे? 3.14, याद हो गया कि नहीं? 14 मार्च को पाई डे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है समझ गए होंगे आप। एक बात और याद रख लेना, ये 14 मार्च को 1:59 पर बनाया जाता है, याद रह जाएगा क्या? बिल्कुल, 1:59 पर बनाया जाता है, तो अगली तीन वैल्यू और याद रह जाएंगी, 3.14 और 1:59 पर बनाया जाता है, तो इसका मतलब 159। तो इस तरीके से आप पाई की वैल्यू भी याद रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ एक फॉर्मूले डेराइव कर लेते हैं अपन। अभी हमने क्या कहा, पैरामीटर अपॉन डायामीटर इज इक्वल टू पाई, पैरामीटर अपॉन डायामीटर इज इक्वल टू पाई, पैरामीटर अपॉन डायामीटर इज इक्वल टू पाई। अभी पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पैरामीटर, डायामीटर को हम क्या लिख सकते हैं, डायामीटर ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, आर आर, टोटल क्या हो जाएगी 2R इज इक्वल टू पाई। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरामीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पैरामीटर हो जाएगा अपना टू पाई आर। ओके, पैरामीटर को यहां से 2R को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देंगे तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2πr। हमने क्या सीखा है देखिए स्टूडेंट, सेंटर फिक्स्ड पॉइंट था, रेडियस फिक्स्ड डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से हम लोकस फाइंड कर रहे थे, पैरामीटर हम बता सकते हैं फिक्स्ड जो पाथ है वो पैरामीटर है, कोड कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और डायामीटर बिगेस्ट कोड इज डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 2R, डायामीटर इज इक्वल टू 2R, एंड पैरामीटर हमने डायमीटर की वैल्यू 2R पुट कर दिए, तो अपनी जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट फॉर्मूला ही बोल सकते हैं आप, 2πr यहाँ से डेराइव हो चुका है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स यहाँ से, किस प्रकार से हम इसका एरिया फाइंड करें, किस प्रकार से हम सर्किल का एरिया फाइंड करें। बड़ा ही सिंपल सा काम करना है स्टूडेंट्स, अब आपको इस सर्किल को किसी चाकू से काट देना है। मान लो ये सर्किल एक केक है, क्या है, केक है, बिल्कुल, मान लो ये सर्किल एक केक है, बहुत सिंपल सा काम है, और इसे आपको चाकू से काट देना है। चलो मैं काट देता हूं, बिल्कुल डायमीटर से होते हुए काटना है, प्रत्येक बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने भाग बन गए, एक बार काटने से 2 भाग बनते हैं, तो ये टोटल 8 भाग आपके पास, 8 पार्ट आपके पास आ गए, और किस टाइप के, देखो बिल्कुल खाने लायक हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट ये रहा, इसी टाइप का है ना, इसी टाइप के 8 पार्ट बने हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, इस प्रकार से रख लिया, सेकंड पार्ट को यहां जमा लिया मैंने, थर्ड पार्ट को यहां, फोर्थ को यहां, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट्थ। ओके स्टूडेंट्स, यानी क्या किया है,
ये जो टोटल 8 अपने पास पार्ट थे इनको हमने इस टाइप से जमा लिया। अब एरिया इसका निकालो या इसका निकालो, एक ही तो बात है, बिल्कुल। और अभी आपने ये पैरामीटर क्या निकाला था, टोटल पैरामीटर बताइए, ये देखिए 2πr, क्या फाइंड किया था, 2πr। तो यहां पर देखिए पैरामीटर ये रहा, और पैरामीटर वाली चीज कहां है, ये रही पैरामीटर। हाफ तो हो गया ऊपर की ओर, और हाफ पैरामीटर नीचे वाली साइड। तो 2πr का हाफ क्या होता है, πr, बिल्कुल, πr इधर और πr इधर, नो प्रॉब्लम। यानी टोटल जो पैरामीटर था, सर्कमफ्रेंस था, वो 2πr था, जबकि हमारे पास अब क्या हुआ, πr और πr दो जगह डिवाइड हो गया। अब इसके बाद ये बताइए मुझे, ये कितनी है, ये क्या चीज है, ये यही डिस्टेंस तो है, और इसे हम रेडियस बोल रहे थे, r से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हो गया r। अब बात आती है स्टूडेंट्स, इसे आप एक रेक्टेंगल की तरह नहीं देख रहे हैं क्या, बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अच्छे तरीके से पता है आपको, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां भी कर दीजिए स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी है पाई आर, विड्थ कितनी है आर, तो एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सा वर्क है स्टूडेंट्स, यहां से आपको फर्स्ट दो फॉर्मूले याद रखने हैं, फर्स्ट पैरामीटर 2πr, सेकंड एरिया πr स्क्वायर। अब आपको यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आप इसका पैरामीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं यदि r गिवन हो। दोनों फॉर्मूलों में देखिए 2πr में ओनली r है, एरिया के फॉर्मूले में r का यूज है, पाई फिक्स है, पाई 22/7 या 3.14159। ओके अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन करना है, आर गिवन होगा और आपको डायमीटर पूछा जाएगा, पैरामीटर पूछा जाएगा और एरिया भी पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने, इसे डिलीट कर देता हूं। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपसे मैं डायमीटर पूछता हूं, फाइंड कीजिए डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स। अभी हमने देखा था डायमीटर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है, और इसे हम 2r से लिखेंगे, 2 into r, तो 2 into r कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायमीटर के बाद पैरामीटर इज इक्वल टू 2πr, 2πi, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 24 सेंटीमीटर। एंड एरिया, एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वेयर, देन 22/7 आर स्क्वेयर, आर 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर में हमेशा ही मापा जाता है। तो इस प्रकार से अपने पास रेडियस गिवन हो तो हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, पाई की वैल्यू ध्यान में रखनी है, और क्लियर हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।